इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और पटना मरीन ड्राइव का या कहिए तो लोकनायक गंगा पथ का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। अगर आप इस कॉरिडोर को बड़ा बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस कॉरिडोर का पूरा रोड मैप का फिजिकल प्रेजेंटेशन इधर में लगा हुआ है, इसको आप अभी हम आपको दिखाएंगे और जिससे आप पूरी तरह से इस कॉरिडोर को यहाँ से लेकर यानी दीघा से लेकर के दीदारगंज तक समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर आयुष इस तरफ से दिखाएगा तो ये देखिए ये दीघा वाला स्ट्रेच है जहाँ पर देखिए पहला गोलंबर ये जो रोटरी है ये सामने में दिख रहा है, फर्स्ट रोटरी जो दीघा की तरफ से है वहाँ। उसके बाद ये देखिए जेपी सेतु है और जेपी सेतु से ये कैसे रास्ता नीचे की तरफ आ रहा, दो तल्ले वाला या ब्रिज जिसके नीचे से रेलगाड़ी तो ऊपर से गाड़ियाँ दौड़ती है। ये अटल पथ का फेज टू है और यहीं पर ये रोटरी है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। इसके ठीक बाद ये एलसीटी घाट का कॉरिडोर है जो एलसीटी घाट को सीधा अशोक राजपथ पर ये स्टेज जोड़ता है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाला टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा के ठीक बाद ये वाला एएनसीना इंस्टीट्यूट का कॉरिडोर है जो बड़ा शानदार बना है, जिसकी कई तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। इसके बाद देखिए ये सभ्यता द्वार है, अगर आयुष इस तरफ से आएंगे तो नज़दीक से आपको दिखेगा, इधर से देख लीजिए ये सभ्यता द्वार है और सभ्यता द्वार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो है पीएमसीएच का स्ट्रेच है जो पीएमसीएच हॉस्पिटल को कनेक्ट करता है, ये वाला एरिया पीएमसीएच का है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए कृष्णा घाट पर एक और कनेक्टिविटी है अशोक राजपथ से यहाँ दिया जा रहा है, ये कृष्णा घास का घाट का स्ट्रेच है और इसके ठीक बाद अगर आप इधर आएंगे तो ये देखिए ये वाला जो स्ट्रेच देख रहे हैं ये गांधी सेतु है और गांधी सेतु के ठीक नीचे से दो तरफ से देखिए स्ट्रेच नीचे की तरफ आ रहा है जो नीचे में गायघाट को जोड़ देगा। इससे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिए कंगन घाट है, कंगन घाट पर भी ये स्टेज जा करके अशोक राजपथ से मिल जाता है। फिर देखिए ये पटना घाट है, पटना घाट पर भी ये स्टेज मिलता है। ठीक इसके बाद टोल प्लाजा है और फिर ये वाला जो है दीदारगंज का एरिया है, यानी इस कॉरिडोर पर दो जगह पर टोल का निर्माण है। तो समझ लीजिए अगर आपको लग रहा है कि कहीं से भी इस कॉरिडोर पर आप फ्री में यात्रा करने वाले तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दो जगह पर टोल प्लाजा बनेगा, एक इस स्टेज में जब आप दीदारगंज की तरफ से चढ़ेंगे तो, और फिर उधर से जब आप आएंगे तो एएनसीना इंस्टीट्यूट से पहले। इसके अलावा ये चार लेन का कॉरिडोर सीधे पटना के आउटर क्षेत्र से दीघा से लेकर के दीदारगंज तक की आपको यात्रा करवाने के लिए बनाया जा रहा है, इसका फिजिकल रोड मैप है ये। अगर आपको लगता है कि कैसे कैसे बनेगा तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करके समझ लीजिए और अभी ले चलेंगे आपको। देखिए उद्घाटन की तैयारियाँ हो रही है, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर का विधिवत लोकार्पण करेंगे और इसके बाद इस पर गाड़ियाँ आपकी दौड़ने लगेगी और उसके लिए देखिए तैयारियाँ बड़ी जोर शोर से हो रहा है। इधर में अगर आयुष आपको पैन करके दिखाए तो इस तरफ में देखिए ये भव्य मंच बना है जिस पर से LED स्क्रीन लग रहा है अभी और ये सोफा वगैरह चेयर वगैरह भी लग रहा है, साउंड सिस्टम वगैरह लग रहा है। थोड़ी देर बाद लगभग 4:45 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसका विधिवत उद्घाटन होते ही आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ेगी। समझ लीजिए पटना के लिए वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है, कई बार इसको लेकर के पथ निर्माण के लोग कह चुके हैं कि अगर ये बनेगा तो पटना के ट्रैफिक को समझ लीजिए ऑक्सीजन मिल जाएगा। जो लड़खड़ाते हुए आप अशोक राजपथ पर जाते हैं उससे आपको पूरी तरह से निजात मिलेगा और अपने आप में वैल्यूएबल प्रोजेक्ट कई तरफ से इसमें कनेक्टिविटी दी जा रही है और साथ ही आज के दिन तीन ऐसे सौगात आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले मीठापुर आरओबी का भी इनॉग्रेशन है, उसके बाद अटल पथ के फेज टू का भी इनॉग्रेशन है और साथ साथ ये जो भव्य प्रोजेक्ट है जो यहाँ से लेकर के आपको PMCS तक को जोड़ रहा है उसका भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए हो रहा है। लगभग 3,800 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है जिसके फेज वन पर दीघा से लेकर के PMCS तक की कनेक्टिविटी का आज लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद इस पूरे कॉरिडोर में दीघा से लेकर के दीदारगंज तक इसको बनना है। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, Instagram और Twitter पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।